वेलकम टू MBBS क्लासेस विद आशीष। इस लेक्चर में देखेंगे लोअर लिम की सारी मसल्स और उनके नर्व सप्लाई एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में। सो आपको लोअर लिम जो कितने रीजन्स में स्टडी करना है, सबसे पहले वो देखते हैं। आपको ग्लूटियल रीजन के मसल्स याद करने हैं, ग्लूटियल रीजन के। आपको थाई के मसल्स याद करने हैं या थाई के में पढ़ना है। थर्ड आता है लेग और चौथा है सोल। सोल को हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम सारे ग्लूटियल रीजन, थाई रीजन और लेग के मसल्स याद करेंगे निमोनिक के साथ, ताकि आपको सारे मसल्स आपको याद रहे। तो ग्लूटियल रीजन टोटल आपको 10 मसल्स याद करनी है, उनकी नर्व सप्लाई। थाई में है 14 मसल्स, लेग में है 10, और सोल के मसल्स हम अलग से देखेंगे, क्योंकि सोल में डिफरेंट लेयर्स होती हैं, उसको हम अलग से स्टडी करेंगे तभी सारी मसल्स क्लियर होंगी। जो थाई और लेग हैं, इनमें इंटरमस्कुलर सेप्टम पाया जाता है, जिससे डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में बढ़ जाते हैं। जो थाई है वो 3 कंपार्टमेंट में बढ़ता है, जिसका नाम है मैप, मीडियल, एंटीरियर और पोस्टीरियर। सो ये 3 कंपार्टमेंट हो गए थाई के। लेग में मैप की जगह हो जाता है लैप, लेटरल, एंटीरियर और पोस्टीरियर। तो टोटल थाई में 14 मसल्स हैं। जो मीडियल कंपार्टमेंट होती हैं टोटल 6 मसल्स, एंटीरियर में 5 और पोस्टीरियर में 3। सेम लेग में भी ये एपी सेम है ना, तो इसमें भी 5 और 3। तो कितनी मसल बचती हैं, 2, 8 हो गया ना, इंटीरियर पुष्ट मिला के 8, दोनों में सेम है, बस मीडियल लेटरल में मसल्स में फ़र्क होता है। सो ये हो गए टोटल मसल्स जो आपको याद करनी है। अब सबसे पहले ग्लूटियल रीजन की ट्रिक देखते हैं, उसके मसल्स के नाम। सो इसका जो निमोनिक है वो है, गुड गाय गेव द प्रीशियस जर्मन क्वीन ऑफिस। सो जो 10 मसल्स हमें याद करनी है, कौन कौन से होती है? सबसे पहले जी से है ग्लूटियस मैक्सिमस, दूसरा जी से है ग्लूटियस मीडियस, तीसरे से है ग्लूटियस मिनिमस, टी से है टेंसर फेशियलाटा, पी से है पाइरिफॉर्मिस, जेमिलाई दो होते हैं, सुपीरियर इन्फीरियर। क्यू इनके क्यू से हो जाएगा क्वाड्रेटस, और ओ से होता है ऑब्टुरेटस। ऑब्टुरेटर में दो होते हैं, ऑब्टुरेटर इंटरनस और ऑब्टुरेटर एक्सटर्नस। जो ऑब्टुरेटर फोरामेन के आउटर साइड होगा वो होगा ऑब्टुरेटर एक्सटर्नस, और जो मिडिल साइड से आप देखेंगे तब जो होगा ऑब्टुरेटर इंटरनस। तो अब सब मसल से नाम लिख लेते हैं, ग्लूटियस मैक्सिमस, दूसरा तीसरा हो जाएगा ग्लूटियस मिनिमस और ग्लूटियस मीडियस, मैक्सिमस, ग्लूटियस मीडियस और ग्लूटियस मिनिमस। ऐसे हम सारे मसल्स के नाम लिख लेंगे। टी से हो गया था द के टी से टेंसर फेशियलाटा, प्रीशियस से पाइरिफॉर्मिस, अब जेमिलस बताया था आपको, जेमिलस दो होते हैं, जेमिलस सुपीरियर और जेमिलस इन्फीरियर। इसके अलावा क्यू से हो जाएगा क्वाड्रेटस फिमोरिस, सो दिस इज क्वाड्रेटस फिमोरिस। और ऑब्टुरेटर भी दो होते हैं, जो ऑब्टुरेटर फोरामेन के बाहर होता है वो होता है ऑब्टुरेटर एक्सटर्नस, और जो इनर साइड होता है वो होता है ऑब्टुरेटर इंटरनस। सो अब हमने कंप्लीट कर लिया किसकी, सारी ग्लूटियल रीजन की सारी 10 के 10 मसल्स देखी पूरा। तो ये हमने पूरी 10 मसल्स कंप्लीट कर ली। अब हम थाई की मसल्स देखते हैं। सबसे पहले जो मीडियल रीजन की ट्रिक है वो है ओमैन एक जगह का नाम है, वहाँ के प्रिंस, ओमैन प्रिंस गेव थ्री एप्पल्स। ये ट्रिक हो गई मीडियल रीजन की। तो मसल्स क्या नाम हो जाएंगे, ओमान के ओ से है यहाँ पर ऑब्टुरेटर एक्सटर्नस। अब तो आप बोलेंगे ऑब्टुरेटर एक्सटर्नस तो हमने ग्लूटियल रीजन में पढ़ा है। ऐसी कुछ मसल्स होती हैं जो ग्लूटियल रीजन से लेकर थाई तक आती हैं, सो मीडियल साइड भी
आपको ऑब्टूरेटर एक्सटर्नस मिलेगी। इससे डेटा डिफरेंट बुक्स में वेरी कर सकता है, पर आपको ये डेटा पूरा याद करना है। मैं जो बता रहा हूँ, मैंने डिफरेंट बुक्स रेफर करने के बाद ही ये बनाया है। सो ये ओस हो जाएगा ऑब्टूरेटर एक्सटर्नस, पी से हो जाएगा पेक्टिनियस, जी से है गेव का जी, ग्रेसेलिस, और तीन एप्पल मतलब तीन ए। तो ये जैसे जो तो सपोज कर ये मिड लाइन है और ये हमारा लेग, ये हम जब पास लाते हैं इसे बोलते हैं एडक्शन, क्योंकि देखिए हम दोनों को पास लाए हैं, ऐड कर रहे हैं, सो इसे एडक्शन बोलते हैं। तो तीन अडक्टर्स होते हैं जो ये एडक्शन का काम कराते हैं, जिसे बोलते हैं अडक्टर लॉन्गस, ब्रेविस और मैग्नस। सो हो गया अडक्टर लॉन्गस, अडक्टर ब्रेविस और अडक्टर मैग्नस। सो ये हो गए तीन ए, तीन अडक्टर्स। तो इस तरह से हमने छह मसल कंप्लीट कर ली मीडियल रीजन के। अब एंटी रीजन की जो ट्रिक है, आई सॉ अ प्रिटी क्वीन, आई सॉ अ प्रिटी क्वीन। सो आई से है इलियाकस, जैसे इलियाकस, और पी से जो सोएस होगा वो दोनों साथ में होके इलियो सोएस बना लेते हैं, पर हम उसको सेपरेटली भी ऐसे डिस्कस कर सकते हैं। सो इलियाकस पहला मसल हो गया, दूसरा कौन सा हो जाएगा, एस से सार्टोरियस, सार्टोरियस। ए से है आइसो ए, ये है आर्टिकुलरिस जेनु, आर्टिकुलरिस जेनु। पी से है सोएस, ये सोएस हो गया, और फिफ्थ हो जाए, पांच मसल थी ना, तो पांच हो जाएगी, क्यू से क्वाड्रेटस फिमोरिस, क्वाड्रेटस फिमोरिस, जिसमें फर्दर एक्चुअली चार मसल्स के ग्रुप्स को बोलते हैं क्वाड्रेटस फिमोरिस। इसमें चार मसल्स आती हैं जिनका नाम है रेक्टस फिमोरिस, रेक्टस फिमोरिस, दूसरी जो मसल है वो है वास्टस, मीडियालिस, मीडियालिस में जो मीडियल साइड होती है, वास्टस इंटरमीडियस जो रेक्टस फिमोरिस के जस्ट नीचे होती है, इंटरमीडियस, और मिडिल है तो लेटरल भी होगा, तो वास्टस लेटरलिस, लेटरलिस। सो ये मसल्स हो गई सारी किसकी, एंटीरियर रीजन की। अब बचती है पोस्टीरियर रीजन की, जिसमें तीन मसल्स होती हैं। अब बचता है जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में कौन सी मसल्स का ट्रिक क्या है, सेमी हैव सिंपल बुक, तो सेमी से पता चल गया होगा, यह है सेमी मेम्ब्रेनोसस, मेम्ब्रेनोसस। दूसरा इससे है सेमी टेंडिनोसस, सेमी टेंडिनोसस, और बुक का बीस है बाइसेप्स फिमोरिस, बाइसेप्स फिमोरिस, फिमोरिस। सो सेमी मेम्ब्रेनोसस, सॉरी मेम्ब्रेनोसस होता है, सेमी टेंडिनोसस और बाइसेप्स फिमोरिस। तो इस तरह हमने थाई के सारे मसल्स, 14 14 मसल्स डिस्कस कर लिए। सो अब बचता है लेग के मसल्स। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। सो लेटर कंपार्टमेंट का जो ट्रिक है वो है पी पी, पी पी मतलब पेरोनियस, पेरोनियस लॉन्गस और पेरोनियस ब्रेविस। एक्चुअली अपने लेग में तीन पेरोनियस पाए जाते हैं, पेरोनियस लॉन्गस, ब्रेविस और टर्शियस। टर्शियस कौन से कंपार्टमेंट में होता है वो हम देख लेंगे। सो दो लेग में कौन लेटर कंपार्टमेंट का ट्रिक क्या है, पीपी पेरोनियस लॉन्गस और पेरोनियस ब्रेविस। अब जो एंटीरियर कंपार्टमेंट का ट्रिक है वो है टीना हैज़ थ्री इरेजर्स एंड वन पेंसिल, तो टीना हैज़ थ्री इरेजर, सो टीना हैज़ थ्री इरेजर एंड वन पेंसिल, एंड वन पेंसिल। तो टी से है टिबियलिस एंटीरियर, जैसे टीना ना टी और ए, टिबियलिस एंटीरियर, तीन इरेजर मतलब एक्सटीरियर डिजिटोरम लॉन्गस, एक्सटीरियर एक्सटेंसर डिजिटोरम ब्रेविस और एक्सटेंसर हेलोसिस लॉन्गस। तो तीन मसल्स बहुत ही सिंपल हो गए ई का, और पी से है पेरोनियस टर्शियस। सो जो लेग में तीन पेरोनियस पाई जाती है उनमें से दो कहाँ हैं, लेटर कंपार्टमेंट में, यही जो पेरोनियस टर्शियस है वो है एंटीरियर कंपार्टमेंट में। तो एंटीरियर कंपार्टमेंट पांच मसल्स कौन कौन सी हो गई, पहली हो गई एक तो टीना टीबियालिस एंटीरियर, टीबियालिस सॉरी एक्सटेंसर बचा, एक्सटेंसर इरेजर ना, तीन इरेजर, तो तीन ही एक्सटेंसर
डिजिटोरम, लॉन्गस और ब्रेविस, और चौथा है एक्सटेंसर हेलुसिस लॉन्गस, हेलुसिस लॉन्गस। पांचों क्या हो जाएगा? वन पेंसिल, थर्ड पेरोनियस, डेट इज पेरोनियस टर्शियस। सो ये कंप्लीट हो गया एंटीरियर कंपार्टमेंट। अब बचता है लैप का पोस्टीरियर कंपार्टमेंट, जो बहुत ही सिंपल है। सो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट क्या क्या हो जाएगा? जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट है तो सबसे सिंपल है, उसमें जो तीन ही मसल्स होती हैं, जो कि इसका बोलते हैं जीपीएस, जीपीएस, गैस्ट्रोक्नीमियस, गैस्ट्रोक्नीमियस, प्लांटेरिस और सोलियस। हमने जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट डिस्कस किया, इसमें जो तीन जीपीएस डिस्कस किया, ये था सुपरफिशियल मसल्स। सो एक्चुअली भी ना लेग में भी टोटल कितने मसल्स होती हैं? 14। जो बाकी चार मसल्स हैं वो है होती है पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की सुपरफिशियस मसल, सॉरी डीप मसल्स। तो बाकी चार बचती हैं डीप मसल्स ऑफ पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग। तो डीप मसल्स की ट्रिक बहुत ही सिंपल है। इसी ट्रिक है प्रिंस फाउंड फ्रूट ऑन ट्रीज। सो ट्रिक है प्रिंस फाउंड फ्रूट फ्रूट ऑन ट्रीज। तो ये कंप्लीट हो गया डीप मसल्स भी। डीप मसल्स में सो चार मसल्स हो जाएंगी, वो हो जाएगी पोपलीटियस, फ्लेक्सर जिटोरम लॉन्गस, फ्लेक्सर हेलुसिस लॉन्गस और टीबियरिस पोस्टीरियर। तो ये कंप्लीट हो गई पोस्टीरियर मसल्स की, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की डीप मसल्स। और जो जीपीएस था वो थी सुपरफिशियल मसल, गैस्ट्रोक्नीमियस, प्लांटेरिस और सोलियस। ये हो गया पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। अब बचता है सोल, जिसको हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे। इस तरीके से हमने पूरे लोअर लिम्ब की मसल सारी 10 मिनट के अंदर पढ़ ली। अब बचता है नर्व सप्लाई, जो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। पर नर्व सप्लाई इंडिविजुअल देखने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगा, जो हमारी नर्व सप्लाई पूरे लोअर लिम की है पूरे एक साथ, आप उसका वीडियो देखें ताकि आपको अच्छे से समझ आएगा। तो नेक्स्ट पार्ट में हम देख लेते हैं सबकी नर्व सप्लाई। आपको वीडियो पसंद आता है तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।